नमस्कार दोस्तों, सुनीता सुमन किचन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जो रेसिपी हम बनाने जा रहे हैं वो बहुत ही हेल्दी है और आप सबको बहुत पसंद आएगी। दोस्तों, कुछ लोग जिनको चावल खाना मना है लेकिन उनको पुलाव खाना बहुत पसंद है, उनके लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए जिनको हम हेल्दी खाना खिलाना चाहते हैं लेकिन वो खाते नहीं है, वो भी खाएं सुनके। रेसिपी है हमारी वेजिटेबल दलिया। दलिया सुनके चौंकना नहीं है, ये बहुत अच्छी रेसिपी है, एक बार आप इसको जरूर ट्राई करें। जैसे इसका नाम ही है वेजिटेबल दलिया, तो इसमें वेजिटेबल डलेंगी। तो देखिए कौन कौन सी वेजिटेबल हमें चाहिए। सबसे पहले चाहिए हमें एक बड़ी कटोरी दलिया, उसके बाद हमें, मैंने ये छील के एक कटोरी मटर निकाल लिए, ये छोटी कटोरी है, और एक कटोरी गाजर के छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं, एकदम छोटे हैं, बहुत ही छोटे हैं। दो प्याज जिनको मैंने लंबा काट लिया है, और आधी कटोरी मूंगफली के दाने हैं। दो हरी मिर्चें और 7 से 8 लहसुन की कलियां हैं। अगर आप इनको दोनों को मिक्स करके कूटना चाहो तो कूट के भी डाल सकते हो, और काट के डालना चाहो तो काट के भी डाल सकते हो। मैं आज यहाँ काट के डालूंगी। एक बड़ा चम्मच घी है, देसी घी। एक चम्मच, मैंने इस चम्मच से नापा है, एक चम्मच नमक, आधी चम्मच धनिया पाउडर, आधी से कम चम्मच है मिर्च, लाल मिर्च पाउडर, और आधी चम्मच हल्दी, आधी चम्मच जीरा पाउडर, एक लाल मिर्च, और 7 से 8 कड़ी पत्ता। दोस्तों, जो दलिया हम ले रहे हैं, एक बार आप इसको जरूर देख लें, ये इतना ही मोटा पीसा होना चाहिए, ज्यादा मोटा नहीं होना चाहिए और ना ही ज्यादा बारीक होना चाहिए, ये दरदरा पीसा हुआ होना चाहिए। शुरू करते हैं रेसिपी। दोस्तों, जो वेजिटेबल मैंने आपको यहाँ बताई है, ये कोई जरूरी नहीं आप यही लोगे, अगर आपके पास बीन्स है बीन्स ले सकते हो, पत्ता गोभी के टुकड़े हैं या पत्ता गोभी को ले सकते हो, या आपके घर में बच्चों को आलू पसंद है तो आलू के छोटे छोटे पीस करके ले सकते हो, या फिर शिमला मिर्च पसंद करते हैं बच्चे तो शिमला मिर्च ले सकते हो, सब्जी आप अपने पसंद से ले सकते हो। इसके लिए हम लेंगे एक मोटे तले का बर्तन, मैंने कढ़ाई को गैस पे रख दिया है, इसमें डालेंगे घी, घी को गर्म होने देंगे। दोस्तों, घी हमारा गर्म हो गया है, सबसे पहले हम इसमें, दोस्तों घी हमारा गर्म हो गया है, अब हम सबसे पहले इसमें जो हमारी मूंगफली है इसको हल्का फ्राई कर लेंगे, निकाल देंगे। इसको अलग फ्राई करना चाहे तो आप अलग भी कर सकते हो, लेकिन मैं इसी में कर लूंगी। देखिए दोस्तों, मूंगफली हमारी फ्राई हो गई है, इनको हम बाद में डालेंगे, अभी इनको वापस निकाल देंगे बर्तन में। जल्दी पूछ के। हाँ जी मनी, तो एक बार आना, हमारा घी गर्म है पहले से ही, अब हम इसमें जीरा डाल देंगे, जीरा डालेंगे, कड़ी पत्ता डाल देंगे, मिर्च डाल देंगे, चीनी डाल देंगे कटा हुआ, अगर आप चाहो तो इसको कूट के भी डाल सकते हो, लेकिन हमें ऐसे पसंद है तो हम इसको ऐसे ही डालेंगे। ब्राउन होने तक भूनेंगे। लहसुन हमारा पक गया है, अब हम इसमें प्याज डालेंगे, प्याज को हम पिंक होने तक भूनेंगे,
और उसके बाद इसमें वेजिटेबल डालेंगे। प्याज हमारा भून गया है, अब हम इसमें सारी वेजिटेबल डाल देंगे, उनको हल्का फ्राई करेंगे। मटर डालेंगे, गैस को हम मीडियम रखेंगे, ज्यादा तेज से नहीं पकाएंगे। वेजिटेबल हमारी हल्की फ्राई हो गई है, अब हम इसमें नमक मिर्च हल्दी धनिया डाल देंगे। नमक डालेंगे, चलाएंगे, सारे मसाले हमारे अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम इसमें दलिया डालेंगे, हल्का फ्राई करेंगे दलिये को। दलिया हमारा फ्राई हो रहा है, देखिए ये बिल्कुल पुलाव से भी अच्छा बनके तैयार होता है। सब्जियां और दलिया हमारा फ्राई हो गया है, अब हम इसमें, हमने ये कटोरी ली थी बड़ी दलिये की, अब इसका 3 गुना हम पानी डालेंगे। हमने 3 गुना पानी डाल दिया है, अब हम इसको उबाल आने तक चलाएंगे, छोड़ेंगे नहीं इसको, नहीं तो ये नीचे लग जाएगा। उबाल आएगा उस टाइम तक हम इसको चलाते जाएंगे, गैस को मीडियम रखेंगे। देखो दोस्तों, हमने इसको चलाते हुए उबाल लिया, इसमें उबाल आ गया और ये देखो कितना गाढ़ा भी हो गया है। अब हम इसको बिल्कुल आंच को सिम कर देंगे, सिम पे रखेंगे गैस को और इसको ढक के पकाएंगे, लेकिन इसको छोड़ेंगे नहीं, बीच बीच में इसको चलाते रहेंगे, नहीं तो ये नीचे में चिपक जाएगा। बीच बीच में चलाते हुए एक बार हम इसको सिम पे ढक देते हैं और फिर हम इसको बीच में चलाएंगे। अब मैंने इसको ढक दिया, एक बार हम इसको 2 मिनट बाद फिर चला देंगे, चिप जाए। दोस्तों 2 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसको एक बार चेक कर लेंगे, नहीं तो ये तले में लग जाएगा, चला देंगे इसको। अब हमारा दलिया पकने वाला है, चलाएंगे नीचे तक, चला देंगे। और अब हम इसमें मूंगफली के जो हमने दाने फ्राई किए थे वो डाल देंगे, जब ये पकने वाला होगा तभी डालने, पहले नहीं डालने, डाल देंगे मिक्स। दोस्तों हमने इसको मिक्स कर दिया, इसको बनाने में दोस्तों हमारा टेस्टी और हेल्दी दलिया, वेजिटेबल दलिया बनके तैयार है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद।